कच्छ જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ભુજ હવામાન કચેરીના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા 4 દિવસ સુધી વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને તાપમાન નીચું જશે। ઉપરાંત વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે। અભી અગર ફોરકાસ્ટ કી વાત કરીએ, મેઇનલી આપકા જો રેનફોલ હે બારિશ, અભી ક્યા હો રહે, આપકા WD એક ટ્રફ બના હુઆ હે નોર્થર્ન, ઉસમે અપર એટમોસ્ફિયર મે, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके अगले 4-5 दिनों में बारिश की संभावना आइसोलेटेड एरियाज़ में है, और day 3, day 5 में थंडरस्टॉर्म की भी चांसेस हैं। तो उसके ही हिसाब से आपका जो टेम्परेचर है उसमें भी 1-2 डिग्री का फॉल आने की संभावना है अगले 3-4 दिनों में। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अगले 7 दिन आपको टेम्परेचर से राहत मिलेगी। बट ये कि जैसे थंडरस्टॉर्म है आपका day 3, day 5 में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा पवन उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब एहतियात बढ़ते हैं कि ज़्यादा मतलब बारिश वगैरह से रिलेटेड जो भी है आपके जैसे किसान वगैरह हो गए तो उसमें डिस्ट्रक्शन थोड़ा हो सकता है। तो day 3, day 5 में थोड़ा थंडरस्टॉर्म की भी चांसेस हैं, अदरवाइज़ आपके रेनफॉल आइसोलेटेड एरियाज़ में तो अगले 4-5 दिनों में बना ही रहेगा। आज से आपका, कल से आपका हो सकता है हल्की रेन मतलब बारिश रहेगी, कल भी रहेगा आपका, परसों भी रहेगा, और अगले फिर 3rd और 5th दिन तो आपका थंडरस्टॉर्म भी है उसमें, तो उस टाइम आपकी थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब रेनफॉल भी हैवी रहेगा और थंडरस्टॉर्म रहेगा day 3, day 5 में।